एमपी के हरदा शहर के 35 वार्डों में पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास के नाम है योजना के माध्यम से मकान बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त लेने के 2 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मंगलवार को नपा सीएमओ जीके यादव ने थानों में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई। इनमें विभिन्न वार्डों के 64 लोग शामिल हैं। 5 हितग्राहियों पर पूर्व में मामला दर्ज करा चुके हैं। नपा सीएमओ जीके यादव ने बताया कि योजना के तहत जिनकी निजी या पारिवारिक भूमि भी उन्हें खुद का आवास बनाने के लिए योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की पहली किस्त 2 साल पहले दी गई, ऐसे लोगों ने या तो राशि का अन्य काम में उपयोग कर लिया या फिर ये राशि वापस भी नहीं की, यहाँ तक कि काम भी शुरू नहीं किया गया है। शहर में अभी कुल 64 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पहले भी 5 लोगों कराई गई थी सिविल लाइन थाने में, और इस तरह कुल 69 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसे दिए गए थे पहली किस्त 1 लाख रुपए के रूप में, लेकिन इन लोगों ने विगत 4 वर्षों से आज तक मकान के काम नहीं शुरू किए थे। इनको 2-2 बार नोटिस भी दिए गए थे, इनको व्यक्तिगत रूप से हमारे मतलब वार्ड प्रभारी जाके समझाइश दिए थे कि ये गवर्नमेंट का पैसा है, आपको मकान बनाना है, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने ना तो मकान बनाया ना अभी तक पैसे वापस किए, इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी है। और शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो लोग मकान नहीं बनाना चाह रहे हैं उनसे पैसे वापस करके उनका नाम सरेंडर की सूची में डालिए, और ये पैसे नहीं देते हैं तो वसूली करने की जो भी पुलिस प्रकरण में या न्यायालयीन प्रकरण जिसमें कार्रवाई करना हो करिए, और करके हमको रिपोर्ट दीजिए, इसलिए कार्रवाई की गई। देखिए, आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्ञानेंद्र यादव ने जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई थाना कोतवाली में। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है करीब 37 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली किस्त दी जा चुकी है, 2020 से वो किस्त दी गई है, और उन्होंने घर जा जाकर सर्वे किया, तब भी उन्होंने पाया कि वो उस रास्ते पहली किस्त तक का उन्होंने उपयोग नहीं किया, और इस प्रकार उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर 37 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 406 के अंतर्गत जो गबन राशि है 39 लोगों के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, उसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस राशि जो शासन की जो राशि है वो जब्त करेगी और उनकी लोगों की गिरफ्तारी करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।